और इनफैक्ट आज बैंकों के लिए चीयर करने के लिए वजह भी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसल थ्री नियमों को आसान किया है, जिसका फायदा डेफिनेटली बैंकों को मिलेगा और कहीं ना कहीं से बैंकों में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी। इसी मसले पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अरुण तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस के अमोल देठे ने, क्या कहा उन्होंने सुन लेते हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा सर, कल आरबीआई ने बेसल 3 के नॉर्म काफी आसान किया है, किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे, कितनी बड़ी राहत है बैंकों के लिए? इट्स अ ग्लोबल प्रैक्टिस, सो ये लोगों के दिमाग में शायद ये कुछ कंसेशन जैसी चीज है, नहीं कंसेशन नहीं है, एक ग्लोबल प्रैक्टिस है विच हैज बीन नॉर्मलाइज्ड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आल्सो। And in as much as Union Bank of India is concerned, we'll get benefit of about 26-27 basis points in our CET1. तो कब तक ये मतलब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, किस तरह से आगे चल के आप इसका फायदा उठाएंगे? आगे 31 मार्च तक। अच्छा, अगर बात फायदे की नहीं है, बट समथिंग विच इज अवेलेबल एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉ, वी आर ट्राइंग टू गेट दैट। और वो हम चाहेंगे 31 मार्च तक, हर बैंक चाहेगा 31 मार्च तक। कुछ एक बैंक है जिनके पास ऐसे एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा, और कुछ एक बैंक ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा एसेट इस तरीके का नहीं है, रिलेटिवली कम होगा। सर, फिस्कल डिफिसिट कम करने के बाद अब आरबीआई रेट कट करने की संभावना बहुत ज़्यादा है, अगर आरबीआई, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, आरबीआई कब तक रेट कम कर सकता है, कितना कम कर सकता है, और उसके बाद आपकी रणनीति क्या होगी? सर देखिए, आरबीआई गवर्नर पहले भी बोला था दैट ही इज लुकिंग एट द फिस्कल प्रूडेंस, विच नाउ गवर्नमेंट हैज प्रूव्ड दैट दे विल walk on that path, 3.9% this year and 3.5% they have targeted for the next financial year. So as I also read in the print media, the ball is in the court of Reserve Bank of India. Yes, there is now a headroom going forward of about 25 to 50 basis point rate cut. चलिए, आपने इनको सुना और ये कहते हैं कि अब गेंद जो है वो आरबीआई के पाले।